सबसे पहले इंपोर्टेंट आर्टिकल नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट ये है कि यूनियन कैबिनेट ने नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 को अप्रूवल दे दिया है। ये जो पॉलिसी है वो 2008 की पुरानी नेशनल मिनरल पॉलिसी को रिप्लेस करेगी। देखो 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपकी जो नेशनल मिनरल पॉलिसी है 2008 की, ये बहुत पुरानी हो गई है, आप इसे रिव्यू कीजिए। तो उसी कंटेक्स्ट में कैबिनेट ने अब नई मिनरल पॉलिसी को अप्रूवल दे दिया है। कुछ खास फीचर्स हम डिस्कस करें नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 के। ये पॉलिसी फोकस करेगी फ्यूचर में माइनिंग सेक्टर का सस्टेनेबल रूप से डेवलपमेंट हो। इसके अलावा देखो माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से, मान लीजिए ये माइनिंग प्रोजेक्ट है, आसपास जो लोग रहते हैं वो प्रभावित होते हैं, तो उन लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा, ऐसा प्रोविज़न किया गया है इस पॉलिसी में। खास करके देखो ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग, आमतौर पर क्या होता है जंगल में ट्राइबल लोग रहते हैं और जंगल में ही ये माइनिंग से संबंधित प्रोजेक्ट होते हैं, तो माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से जो ट्राइबल्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 में काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस किए गए हैं जो फोकस करते हैं मेक इन इंडिया पे और जेंडर सेंसिटिविटी पे। नेक्स्ट पॉइंट, कोस्टल वाटरवेज का और इनलैंड जो वाटरवेज हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मिनरल्स के इवैक्यूएशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, डेडिकेटेड मिनरल कॉरिडोर इस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सके। देखो क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट है ये नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 से, यूपीएससी पूछ सकती है क्या डेडिकेटेड मिनरल कॉरिडोर इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है, क्या कोस्टल वाटरवेज एंड इनलैंड वाटरवेज पर फोकस करने की बात कही गई है। तो ये जो कीवर्ड्स है ना ये इंपॉर्टेंट हैं। इंटरजनरेशनल इक्विटी, इंटरजनरेशनल इक्विटी का सिंपल मतलब ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज का इस प्रकार से इस्तेमाल करना कि फ्यूचर में जो जनरेशन हैं उनके लिए भी वो नेचुरल रिसोर्सेज प्रिजर्व रहें, ना सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज प्रिजर्व रहें बल्कि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी वो रिसोर्सेज प्रिजर्व रहें। मतलब रिसोर्सेज पे सिर्फ इस जनरेशन का हक नहीं है, रिसोर्सेज पे आने वाली जो जनरेशन है उनका भी हक है। इस कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है नई मिनरल पॉलिसी में। और लास्ट में प्रपोज किया गया है कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी इस्टाब्लिश की जाए और वो इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी एक मैकेनिज्म इस्टाब्लिश करे ताकि माइनिंग सेक्टर का सस्टेनेबल रूप से डेवलपमेंट हो सके। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, जैसे देखो प्राइवेट सेक्टर को एंकरेज किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करें, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे, जो वर्जिन एरियाज हैं उनकी ऑक्शनिंग होगी, मतलब वर्जिन एरियाज़ की बोली लगवाई जाएगी रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे। वर्जिन एरियाज मतलब जो रिलेटिवली अनटच्ड हैं, मतलब उन एरियाज़ की अभी तक कोई माइनिंग वगैरह हो ही नहीं है। जैसे एक टर्म काफ़ी बार इस्तेमाल होती है वर्जिन फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जो रिलेटिवली अनटच्ड हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है उन फॉरेस्ट में, उन फॉरेस्ट को कहा जाता है वर्जिन फॉरेस्ट। उसी प्रकार से वो माइंस जो अभी तक रिलेटिवली अनटच्ड है, ह्यूमन इंटरफेरेंस अभी तक हुई नहीं है, तो ऐसे माइंस को कहा जाता है वर्जिन माइंस या फिर वर्जिन एरियाज। उसके बाद ई गवर्नेंस, आईटी इनेबल्ड सिस्टम, अवेयरनेस, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। ऑनलाइन पब्लिक पोर्टल इस्टाब्लिश किया जाएगा ताकि लाइसेंस या फिर कोई क्लियरेंस लेनी है तो इस पोर्टल की सहायता से ली जा सके, और अगर डिले होता है तो ट्रिगर अपने आप अप्लाई हो जाएगा, मतलब हायर लेवल तक बात पहुंच जाएगी कि इतने समय में क्लियरेंस मिलनी चाहिए थी अभी तक नहीं मिली है। उसके बाद लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी बनाई जाएगी मिनरल सेक्टर के लिए ताकि स्टेबिलिटी रहे। सबसे लास्ट में मिनरल रिसोर्सेज का डेटाबेस मेंटेन किया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं मिनरल, नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में 2016, 2017 और 2018 के लिए शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इस प्राइज़ के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें। ये देखो एक साइंस अवार्ड है और हर साल इसे दिया जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। हर साल का मतलब ये नहीं कि 2016 का जो प्राइज़ है वो उसी साल
देंगे। अभी जैसे 3 सालों का एक साथ दिया जा रहा है, 16 का भी, 17 का भी, 18 का भी, यानी दिया हर एक साल के लिए दिया जाता है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि 4-5 सालों का एक साथ दे दिया जाए, 3-4 सालों का एक साथ दे दिया जाए। अभी यही हुआ है, 3 सालों का एक साथ दिया गया है। किस लिए दिया जाता है? जैसा हमने डिस्कस किया, साइंस अवॉर्ड है ये। अगर देखो किसी पर्सन ने जिसकी उम्र 45 साल से कम है और उसने काफ़ी अच्छी रिसर्च की है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंट साइंस में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में, फिजिक्स में, मतलब किसी भी साइंस की फील्ड में 45 साल तक की उम्र के पर्सन ने अच्छी रिसर्च की है और उस रिसर्च ने मानव सभ्यता के प्रोग्रेस में और ह्यूमन नॉलेज में काफ़ी इजाफा किया है, तो उस पर्सन को ये अवॉर्ड दिया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात ये है, एक तो देखो ये अवॉर्ड दिया जाता है CSIR के द्वारा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो अवॉर्ड का नाम है वो CSIR के फाउंडिंग डायरेक्टर के नाम पे है, शांति स्वरूप भटनागर। ये फाउंडिंग डायरेक्टर हैं CSIR के और इन्हीं के नाम पे अवॉर्ड का नाम है। सबसे पहली बार इस अवॉर्ड को दिया गया था 1958 में। जिस भी पर्सन को यह अवॉर्ड दिया जाता है उसे 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, मोमेंटो दिया जाता है। इसके अलावा ये हमने डिस्कस कर लिया कि 45 साल तक की उम्र होनी चाहिए उस पर्सन की जिसको ये अवॉर्ड दिया जा सकता है और उसने अच्छा काम किया हो साइंस की फील्ड में। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात करें, ये ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है और ये हमारे देश में लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल सतत स्कीम के बारे में है। कंटेस्ट की बात बाद में करेंगे, पहले स्कीम के बारे में जानते हैं। देखो हमारे देश में हर साल 62 मिलियन मैट्रिक टन वेस्ट जनरेट होता है। अगर इसमें से कुछ वेस्ट को हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर सकें और उस फ्यूल की सहायता से हमारे देश में व्हीकल्स चलें तो कितना फायदा होगा। एक तो देखो ऑयल की कंजम्पशन कम होगी और दूसरा वेस्ट को हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, इस वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों चीज़ों को एड्रेस किया जा सकेगा। तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी। सतत पूरा नाम है इस स्कीम का, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम। और अगर इस स्कीम को ठीक से इंप्लीमेंट किया जाता है तो जॉब क्रिएशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा हमारे देश में और व्हीकुलर एमिशन यानी व्हीकुलर जो पोल्यूशन है वो भी कम होगा। होगा क्या इस स्कीम में? इस स्कीम में देखो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एनकरेज करेगी कंप्रेस्ड बायोगैस से संबंधित एंटरप्रेन्योर्स को कि भैया आप आइए और कंप्रेस्ड बायोगैस से संबंधित प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश कीजिए, और कंप्रेस्ड बायोगैस से संबंधित प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश करने के लिए हम आपकी मदद करेंगे और बाद में उसी कंप्रेस्ड बायोगैस का इस्तेमाल किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में फ्यूल के लिए। तो क्वेश्चन कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में भी बन सकता है। बायोगैस को देखो नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे? एग्रीकल्चर रेजिड्यूज, कैटल डंग मतलब कैटल का जो गोबर होता है, शुगर केन, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट, ये जो सारा वेस्ट होता है इस वेस्ट को अगर देखो डिकम्पोज किया जाए ऑक्सीजन की एब्सेंस में, समझ गए? फिर से बोलता हूं, ये सारा जो वेस्ट है इसको अगर डिकम्पोज किया जाए ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो बायोगैस को प्रोड्यूस किया जा सकता है। डिकम्पोज का मतलब सिंपल है, अगर समझ ना आया हो तो, डिकम्पोज का मतलब सड़ना, मतलब ये सारा जो कूड़ा है उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो बायोगैस जनरेट हो जाती है। और अगर प्योर कर दिया जाए और उसे कंप्रेस कर दिया जाए तो उसे कहा जाएगा कंप्रेस्ड बायोगैस, यानी बायोगैस को प्योर कर दिया गया, प्योरिफिकेशन हो गई, उसके बाद कंप्रेस कर दिया गया तो वो कहलाएगी कंप्रेस्ड बायोगैस। और इस कंप्रेस्ड बायोगैस में मिथेन का जो कंटेंट होता है ऑलमोस्ट 90% होता है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बोली जाती है, देखो अभी नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है व्हीकल्स के द्वारा एनर्जी के लिए, कंप्रेस्ड बायोगैस का जो एनर्जी पोटेंशियल या फिर कंपोजिशन है वो नेचुरल गैस के समान ही है। इसी वजह से कहा जाता है जो कंप्रेस्ड बायोगैस है वो एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव और रिन्यूएबल ऑटोमोटिव फ्यूल का काम कर सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सतत स्कीम के बारे में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री जीवन योजना के बारे में है। क्या कंटेस्ट है?
कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दे दिया है इस योजना के लिए। जीवन का मतलब है यहाँ पे जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, तो हिंदी में काफ़ी डिफिकल्ट सा नाम है क्या इस स्कीम में। देखो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल सेक्टर में इथेनॉल को जनरेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स इस्टाब्लिश हो, इस चीज़ पर फोकस करने के लिए है ये स्कीम प्रधानमंत्री जीवन योजना। तो एक प्रकार से वो लोग जो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट इस्टाब्लिश करेंगे तो उनको सरकार इंसेंटिव देगी, सरकार बोलेगी कि आओ भैया हम आपको पैसा देते हैं या फिर दूसरी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, आप सेकेंड जनरेशन इथेनॉल को प्रोड्यूस कीजिए। और सेकेंड जनरेशन इथेनॉल किसकी सहायता से प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे देखो लिग्नो सेलुलोजिक बायोमास या फिर दूसरे रिन्यूएबल फीड स्टॉक की सहायता से प्रोड्यूस होता है सेकेंड जनरेशन इथेनॉल। आप एक बार इस पिक्चर पर नज़र डाल लीजिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल प्रोड्यूस किया जा सकता है वीट की सहायता से या फिर सुगर बीट की सहायता से, सेकेंड जनरेशन लिग्नो सेलुलोजिक बायोमास की सहायता से, वुड की सहायता से, स्ट्रा की सहायता से, ग्रास की सहायता से, और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल प्रोड्यूस किया जा सकता है एल्गल बायोमास की सहायता से। और ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जी वन योजना, ये सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए है। मतलब जो एंटरप्रेन्योर सेकेंड जनरेशन इथेनॉल को प्रोड्यूस करेगा तो उसको इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि वो प्लांट इस्टाब्लिश कर सके। और इस स्कीम के अंतर्गत जो इथेनॉल प्रोड्यूस होगा सेकेंड जनरेशन इथेनॉल, उसको मैंडेटरी सप्लाई किया जाएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या करेंगी इस इथेनॉल से, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इस इथेनॉल को मिक्स करेंगी पेट्रोलियम में। देखो पेट्रोल में अगर इथेनॉल मिक्स किया जाता है तो एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, पोल्यूशन भी काफ़ी कम होता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने 2003 में एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बोला गया था आप 10% इथेनॉल ऐड करें पेट्रोल में, मतलब अगर 90% पेट्रोल है तो 10% इथेनॉल होना चाहिए। एक और खास बात जो आपको याद रखनी है, ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जी वन योजना, ये इंप्लीमेंट की जाएगी सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा। सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी एक टेक्निकल बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अधीन आती है। ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी प्रधानमंत्री जी वन योजना के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, IEA मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बायो एनर्जी टेक्नोलॉजी कोलाबोरेशन प्रोग्राम के बारे में है, यानी TCP। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है। इंडिया 25वां ऐसा प्रोग्राम है जिसने IEA बायो एनर्जी टेक्नोलॉजी कोलाबोरेशन प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। ये देखो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है विभिन्न कंट्रीज के बीच बायो एनर्जी से संबंधित रिसर्च की रिपोर्ट्स को और नई जो इनोवेशन हुई है बायो एनर्जी से संबंधित, नई कोई नॉलेज क्रिएट हुई है, उन सब चीज़ों को शेयर करने के लिए। और ये जो प्रोग्राम है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के फ्रेमवर्क तले चल रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की हम बात करें, ये देखो एक पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क तले इस्टाब्लिश किया गया था 1974 में। मेन इसको इस्टाब्लिश करने का पर्पज ये था, देखो 1973 में ऑयल क्राइसिस आए थे तो उस समय ऑयल क्राइसिस की सिचुएशन में कैसे विभिन्न देश आपस में कोऑर्डिनेशन इस्टाब्लिश करें ताकि ऑयल की सप्लाई जो कम हो गई है इस सिचुएशन से निपटा जा सके। तो इस कंटेक्स्ट में ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस्टाब्लिश की गई थी। सिर्फ OECD के मेंबर कंट्रीज मेंबर हो सकते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के, तो ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सिर्फ एसोसिएट मेंबर्स हैं, फुल मेंबर्स नहीं हैं। काफ़ी सारे इश्यूज पर फोकस किया जाता है इस एनर्जी एजेंसी के द्वारा, फॉर एग्जांपल ऑयल, गैस, कोल सप्लाई, डिमांड, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, एनर्जी एफिशिएंसी, एक्सेस टू एनर्जी, डिमांड साइड मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की जाती है इस एजेंसी के द्वारा
और की वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिस्टिक्स भी रिलीज किए जाते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। क्वेश्चन इस प्रकार से मान लीजिए पूछा जाए, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो सी आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने प्रधानमंत्री जी वन योजना के बारे में डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बायो एनर्जी टेक्नोलॉजी कोलाबरेशन प्रोग्राम के बारे में यानी TCP के बारे में, हमने नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 के बारे में डिटेल से डिस्कस किया, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, सतत स्कीम के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।